Good morning, everyone. Continuing with our next topic, provisions. Provisions का मतलब क्या है? According to Companies Act, provision का मतलब है following amount में से कोई भी वो क्या? जो भी amount आप write off कर रहे हो, या आपने write off किया है, या retain किया है, by way of providing for depreciation, renewals, या diminution in the value of assets और amount जो आपने retain किया है by way of providing for any known liability for which जो amount है आप substantial accuracy से determine नहीं कर सकते then जहाँ पे जो आपका amount है किसी known liability का वो आप determine कर रहे हो लेकिन विद रीजनेबल एक्यूरेसी तो उसे भी आप क्लासिफाई करोगे एज अ लायबिलिटी फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसी नॉट अ प्रोविजन. उसे आप प्रोविजन की कैटेगरी में नहीं ला सकते, आप उसे क्लासिफाई करोगे एज अ लायबिलिटी फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. देन एग्जांपल्स क्या हैं प्रोविजंस के? फर्स्ट इज प्रोविजन फॉर डाउट बैड एंड डाउटफुल डेप्ट. हर एक बिजनेस में कुछ डेप्टर्स होते हैं जहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं होता कि सभी फुली रियलाइज्ड हो जाएंगे, तो जो अमाउंट है वो आप एक्यूरेटली एस्टिमेट नहीं कर पाते हो, तो ये जो लॉस है इसके लिए आप एक प्रोविजन बनाते हो डेप्टर्स के ऊपर जिसे हम प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट्स कहते हैं. देन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स. डेप्टर्स जो अपनी लायबिलिटी एक फिक्स टाइम पर पे कर देते हैं तो उनको आप डिस्काउंट देते हो, तो इस डिस्काउंट के लिए आप प्रोविजन बनाते हो एक सर्टेन परसेंटेज से. देन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. एक्चुअल अमाउंट जो है इनकम टैक्स का वो डिटरमाइन होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, बट करंट ईयर में आप प्रोविजन बनाते हो टैक्स के लिए, वो एक एस्टिमेटेड अमाउंट के लिए होता है. देन प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूएबल ऑफ एसेट्स. जब आप एक नई एसेट परचेज कर रहे हो तो उसके जो रिपेयर एक्सपेंसेस हैं अर्ली ईयर्स में कम होते हैं और लेटर ईयर्स में ज़्यादा होते हैं, तो इक्वल बर्डन जो रिपेयर एंड रिन्यूअल एक्सपेंसेस का है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हो, तो इसके लिए आप एक सर्टेन अमाउंट क्रेडिट करते हो रिपेयर एंड रिन्यूअल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से को डेबिट करके एवरी ईयर. तो ये जो अकाउंट है इसे आप डेबिट करते हो बाय एक्चुअल रिपेयर एक्सपेंसेस. फीचर्स क्या हैं प्रोविजंस के? ये क्रिएट किया जाता है फॉर सर्टेन लॉस और एक्सपेंस. जो प्रोविजन है वो आप बनाते हो सर्टेन लॉस और सर्टेन एक्सपेंसेस के लिए. जो लॉस और एक्सपेंसेस है वो तो सर्टेन है कि होंगे ही होंगे, लेकिन उनका अमाउंट आप एस्टिमेट नहीं कर पाते हो एक्यूरेसी से. फॉर एग्जांपल कुछ डेब्ट्स इररिकवरेबल प्रूव होते हैं बट जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते. नेक्स्ट रिडक्शन इन प्रॉफिट ड्यू टू क्रिएशन. जो प्रोविजंस अगर आप बनाते हो तो उस ईयर के जो प्रॉफिट्स हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं. देन इम्पॉर्टेंस क्या है, पर्पस क्या है प्रोविजन का? फर्स्ट टू कैलकुलेट द करेक्ट नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस. एक्यूरेट नेट प्रॉफिट और लॉस किसी ईयर का निकालने के लिए ज़रूरी है कि उस ईयर के जो भी एक्सपेंसेस हैं उस ईयर से रिलेटेड उन्हें डेबिट किया जाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, चाहे वो आपने पे किए हैं चाहे वो पे नहीं किए हैं. देन टू फाइंड आउट द ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन. बैलेंस शीट जो है एक बिजनेस की वो डिपिक्ट करे आपका ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन. कब ट्रू डिपिक्ट करती है? आफ्टर क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डिफरेंट एक्सपेंसेस और लॉसेस. देन टू प्रोवाइड फंड्स फॉर नोन लाइबिलिटी इन फ्यूचर. कुछ लॉसेस होते हैं जो एक्सपेक्टेड होते हैं फ्यूचर में बट उन्हें आप एस्टिमेट एक्यूरेसी से नहीं कर सकते, तो फंड्स नीडेड होते हैं उन लॉसेस और उन लाइबिलिटीज को मीट आउट करने के लिए, तो ये जो प्रोविजन है उन लॉसेस की फुलफिलमेंट के लिए आप प्रोविजंस क्रिएट करते हैं. देन फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस. जब आपने कोई एसेट आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हो फॉर मोर देन वन ईयर और एक्सपेंसेस उस एसेट से रिलेटेड आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो हर एक ईयर में इक्वली, तो जो एक्सपेंसेस उस एसेट्स पे लेस ही होते हैं बिगनिंग में और ज़्यादा होते हैं लेटर ईयर्स में, तो जो प्रोविजन फॉर रिपेयर अकाउंट है आप उसे
बनाते हो और एवरी ईयर एक सर्टेन अमाउंट आप डेबिट करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये अमाउंट आप क्रेडिट करते हो एक्चुअल रिपेयर एक्सपेंस से ईच ईयर. फॉर एग्जांपल एक मशीन है जो आप बिजनेस में यूज़ करने वाले हो 10 ईयर्स तक, तो जो एस्टीमेट आप कर रहे हो रिपेयर एक्सपेंसेस का, वो सपोज आप कह रहे हो कि 25,000 होगा 10 सालों में, तो एवरी ईयर प्रोविजन फॉर रिपेयर अकाउंट में आप 2,500 रुपये डाल देते हो बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्रेडिटिंग क्रेडिट कर देते हो अकाउंट को इसको विद एक्चुअल रिपेयर एक्सपेंसेस जो आपने इनकर किए हैं. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिफरेंस क्या है रिजर्व्स और प्रोविजंस में. तो सबसे पहला है मीनिंग. रिजर्व्स जो क्रिएट किए जाते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं अननोन लॉसेस के लिए, जबकि जो प्रोविजंस हैं वो आप क्रिएट करते हो नोन लॉसेस के लिए. कंपल्शन की बात करें तो जो रिजर्व्स हैं उन्हें क्रिएट करना लीगली मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ तब क्रिएट किए जाते हैं जब बिजनेस को प्रॉफिट होता है. प्रोविजन की बात करें तो इनकी क्रिएशन मैंडेटरी है लीगली, और चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो आपको इन्हें क्रिएट करना ही करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो ऑब्जेक्टिव है रिजर्व्स की क्रिएशन का दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की उसे स्ट्रेंथन करना, जबकि जो प्रोविजन को क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव है दैट इज अरेंजमेंट करना नॉन लायबिलिटीज और लॉसेस के लिए. इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो रिजर्व्स है आप इसे आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट कर सकते हो, बट जो प्रोविजंस का अमाउंट है आप उसे आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट नहीं कर सकते. देन रिजर्व्स में हम बात करें तो इसे आप यूज कर सकते हो फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स, बट प्रोविजन के अमाउंट को आप यूज नहीं कर सकते फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स. रिजर्व्स को हम शो करते हैं बैलेंस शीट में अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस, और प्रोविजंस को हम शो करते हैं जो भी हमारी रिलेटेड एसेट या लायबिलिटी है उससे डिडक्शन करके हम उसे बैलेंस शीट में शो करते हैं. क्रिएशन की बात करें तो रिजर्व्स को हम क्रिएट करते हैं बाय डेबिटिंग पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जबकि जो प्रोविजंस हैं इन्हें हम क्रिएट करते हैं बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो रिजर्व्स है उसे आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर अदर पर्पसेस आल्सो, लेकिन जो प्रोविजंस है आप उसे सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हो जिस पर्पस के लिए उसे बनाया गया है. तो इस टॉपिक के साथ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 9 है डेप्रिसिएशन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स वो कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच.